सुधा कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री हिस्ट्री का ये हिस्ट्री सोल असाइनमेंट का ये दूसरा प्रश्न है। सुल्तान काल 13वीं और 14वीं के दौरान दिल्ली में शहरों के विकास के बारे में लिखिए। दिल्ली सुल्तान की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई। इस्लाम की स्थापना के परिणाम स्वरूप अरब और मध्य एशिया के हुए धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने इस प्रसारवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। दिल्ली सुल्तान की स्थापना उसी का परिणाम थी। बाद के काल में मंगोलों के आक्रमण से इस्लामी जगत भयभीत था। इसके आतंक के कारण इस्लाम के जन्म स्थान के इस्लामी राजसत्ता के पांव उखाड़ गए थे। इस स्थिति में दिल्ली सुल्तान इस्लाम को मानने वाले संतों, विद्वानों, साहित्यकारों और शासकों की शरण स्थली बन गई थी। दिल्ली सुल्तान का उदय कब हुआ ये तो सही प्रकार से ज्ञात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम और अंग्रेज इतिहासकारों ने दिल्ली का इतिहास अपने हिसाब से लिखा है। विदेशी इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 1290 खिलजी वंश, 1290 से 1320 तुलक वंश, 1320 से 1414 सायद वंश, 1414 1451 तक लोदी वंश, 1415 1526 इसमें से चार वंश मूलतः तुलक थे, जबकि अंतिम वंश अफगानिस्तान था। अब यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि गुलाम वंश, जो कि मोहम्मद गोरी के गुलाम का वंश था, उन्हें ये दिल्ली का नाम कहाँ से ज्ञात हुआ। हाँ, भी ज़्यादा हैरानी की बात नहीं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें दिल्ली की आखिरी हिंदू सम्राट कहा जाता है और दिल्ली की तख्त पर थे, और उन्हें यह सिंहासन अपने नाना अंगपाल तोमर से प्राप्त हुआ था, जो कि तोमर राजपूत वंशीय थे। अर्थात पृथ्वीराज चौहान से पहले भी दिल्ली साम्राज्य व्याप्त था। तो यह बात तो कतई मानी नहीं जा सकती कि दिल्ली की स्थापना सभ्यता का आरंभ विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा किया गया। मोहम्मद गोरी का गुलाम तुलक उद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। बैबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, परंतु भारतीय उपमहाद्वीपीय को संगठित करने में असफल रहा। इस सुल्तान ने न केवल बहुत से दक्षिणी एशिया के मंदिरों का विनाश किया, साथ ही अपवित्र भी किया, पर इतने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी सुल्तान मुस्लिम इतिहास के कुछ कालखंडों में हाँ है, जहाँ किसी महिला ने सत्ता संभाली। 1526 में मुगल सुल्तान द्वारा इस साम्राज्य का अंत हुआ। दिल्ली भारतीय इस्लामिक की गवाह रही है। इसमें वैभव और आपदाएं देखी है, और जिसमें अनेक संस्कृतियों को समाहित कर सकने की क्षमता है, फिर भी यह शहर अड़िक है। यह वह हीरा है जिसके लिए कई फलक है, कुछ चमकीले और कुछ समय के साथ मैले पड़ चुके हैं, जो प्राचीन समय से भारतीय जीवन शैली और विचारों को प्रदर्शित करते आ रहे हैं। यह वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ये असाइनमेंट अपना बीए सेकंड ईयर वाले। क्या उसने भारत पर शासन किया? दिल्ली की स्थापना का संदर्भ महाभारत में मिलता है। दिल्ली को हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को आसपास के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने के निर्देश दिए। दिल्ली का यह हिस्सा खंडव प्रस्थ के नाम से जाना गया। पांडव राजकुमार युधिष्ठिर ने खंडवन नामक जंगल के क्षेत्र को साफ करके दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक शहर की स्थापना की। वास्तव में यह इतना आकर्षक शहर था कि कौरव पांडवों के शत्रु बन गए।
उसी काल से दिल्ली के अनेक साम्राज्यों एवं सम्राटों का उत्थान एवं पतन देखा। इसकी लोकेशन से प्राचीन काल से ही अनेक राजा इनका एक आकर्षित हुआ, क्योंकि इस शहर का सामरिक और वाणिज्यिक महत्व था। सिर्फ इंद्रप्रेस ही बल्कि दिल्ली और सात शहरों का शहर है। महत्व था सिर्फ इंद्रप्रेस ही बल्कि दिल्ली के शहर खामोवेश सात से अधिक, किंतु स्वीकार्य संख्या सात। नई दिल्ली को छोड़कर और इन शहरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। इतिहासकार 1000 ईस और 1947 ईस के बीच दिल्ली के सात शहरों का जिक्र करते हैं। वास्तव में इनकी संख्या आठ है। कुतुब मीनार के निकट प्राचीनतम शहर सीरी तुलकाबाद, जहाँ पना फिरोजाबाद, पुराने किले के निकट शहर शाहजहानाबाद नई दिल्ली। इसमें से प्रत्येक शहर संबंधित वंश के महल किले के इर्द गिर्द फैलता था, और प्रत्येक वंश अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अपना नया मुख्यालय स्थापित करना चाहता था। जहाँ तक कि समान वंश के राजाओं का यही उद्देश्य होते थे, और इनकी पूर्ति के लिए उनके पास साधन भी होते थे। प्रत्येक एक के बाद एक आते वंश ने वास्तुकला के विस्तृत उदाहरण पेश किए, और शहर वास्तुकलाओं में कुछ परिवर्तन के लिए अक्सर कुछ महत्वपूर्ण भवन खड़े होते हैं। कुछ समर्थक चाहे एक मस्जिद हो अथवा एक मकबरा, कोई किला अथवा विजय स्तंभ। नई दिल्ली, इंडिया गेट। नई दिल्ली की नींव वर्ष 1911-15 दिसंबर में दिल्ली दरबार के दौरान भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। भारत में ब्रिटिश शासकों की राजधानी रहा नई दिल्ली शहर। विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित शहरों की श्रृंखला का आठवां शहर था। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने इसी अन्य शहर का निर्माण नहीं किया। नई दिल्ली के अनेक किस्से रहे हैं और इसका तेजी से परिवर्तन हुआ है। नई दिल्ली के कारण ही अधिकांश पर्यटकों पर शहर की पहली छाप पड़ती है। नई दिल्ली का अधिकांश निर्माण कार्य 1920-1930 के बीच था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दिल्ली नए भारत की राजधानी बनी। स्वतंत्रता के बाद से ही इसका महत्व कई गुना बढ़ा है, और दिल्ली अब देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी है। तुलकाबाद 1320 में मूल स्थान के सैन्य गवर्नर के विरोध के बाद बुज गैसुद्दीन तुल्क शाह दिल्ली का सुल्तान बन गया था। तुल्कों ने अपना स्वयं का नगर बसाया, जिसे तुलकाबाद के नाम से जाना जाता है। तुलकाबाद दिल्ली के अतीत के संघर्ष और उस युग के आतंक का साहस को याद की एक निशानी है। तुलक काल में अनेक भवनों का निर्माण हुआ। तुलकों ने अपनी स्वयं की वास्तुकला का विकास किया, जिसके प्रतिनिधि उदाहरण तुलकाबाद किले, बड़ी मंजिल अथवा कालू साय और बेगमपुर गांव के बीच विजय मंडल, खिड़की मस्जिद, मालवीय नगर, कालकाजी रोड पर चिराग गांव में चिराग दिल्ली की दरगाह के रूप में देखे जा सकते हैं। सीरी जैसे अब होज खास के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजली ने किया था। सन 1303 ईस में अपनी राजधानी सीरी में स्थापित की। इसने कमल के फूल की तरह अशोक पद जैसे एक अर्धवृत्ताकार तोरण का निर्माण भी कराया। ये द्वार अलाई दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है, और इस्लामिक स्थापत्य कला में इसका मुख्य स्थान है। मेहरौली कभी हिंदुओं की जागीर हुआ करती थी,
लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मुगलों से हार हो जाने के बाद मेहरौली क्षेत्र अति आक्रमणकारियों की गद्दी बना रहा। जो कभी पूर्ववर्ती हिंदुओं की राजधानी रहा था, मेहरौली के पहाड़ी प्रदेश में अर्ध वृत्तकार दीवार, वेदशाला की मीनारें यानी मकबरे और अन्य ऊंचे भवन मौजूद है। ये दर्शाते हैं कि सुल्तान काल में मेहरौली सर्वाधिक सुंदर और संपन्न राजधानी बना शहर रहा था। नई दिल्ली का निर्माण होने तक इसे अक्सर पुरानी दिल्ली कहा जाता था। इसके बाद शाहजहाबाद को पुरानी दिल्ली कहा गया। लाल कोट अथवा किला साए पिथौरा, किला राय पिथौरा का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। वह मुस्लिम अति आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू प्रतिरोध की कथाओं के प्रसिद्ध गायक नायक थे। पृथ्वीराज के पूर्वजों ने तोमर राजपूतों से दिल्ली को छीना था, जो दिल्ली के स्थापक माने जाते थे। एक तोमर राजा अलकन पाल ने दिल्ली में संवत पहला निर्मित रक्षा संबंधित कार्य किया था, जिसे लाल कोट कहा गया, जिस पर पृथ्वीराज ने कब्जा किया। उसका अपने शहर किला राय पिथौरा तक विस्तार किया। इस किले को पिचारों के खंडहर अभी भी कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्र में आंशिक रूप से देखे जा सकते हैं। तोमर और चौहान वंश के काल में दिल्ली में मंदिरों का निर्माण हुआ। ये माना जाता है कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार के परिसर में 27 हिंदू मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। मेहरौली स्थित लोस्तम जंग लगे बिना विभिन्न संघर्षों का मूर्ख गवाह रहा है और राजपूत वंश के गौरव और प्रसिद्धि को कहानी बयान करता है। फिरोजाबाद वर्तमान में फिरोजाबाद को फिरोज शाह कोटला का निर्माण फिरोज शाह तुलक ने कराया था। फिरोज शाह ने कला मस्जिद 64 खंबा बेगमपुर मस्जिद और इसके समीप विजय मंडल का 12 तंबा तुलक के काल में निर्मित अन्य महत्वपूर्ण भवन हैं। इसमें निर्ज के जंगलों के अनेक शायरों का निर्माण भी करवाया। इन समीप विजय मंडल तथा 12 खंबा तुलक के काल में निर्मित अन्य महत्वपूर्ण भवन हैं। उसमें रीज के जंगलों में अनेक शायरों का निर्माण भी कराया। इन शायरों में भूली भटियारी का महल, पीर गरीब और मंचला महल अभी भी मौजूद है। शेरगढ़ शहनशाह ने दिल्ली के एक अन्य शहर को बसाया। यह शहर जिसे शेरगढ़ के नाम से जाना जाता था, दीप पन्हा के खंडरों पर बसाया गया था। इसे हुमायूं द्वारा बसाया गया था। शेरगढ़ के अवशेष आज के पुराने किले के रूप में देखे जा सकते हैं। शाहजहाबाद को शाहजहाँ ने बसाया था, हालांकि अब इसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यह चार दीवारी वाला शहर था और इसके कुछ दरवाजे और दीवार के कुछ हिस्से अभी भी मौजूद हैं। शाहजहाँ के समय का लाल जैन मंदिर, अप्पा गांधार मंदिर, कोरी शंकर मंदिर, मराठी प्रभुत्व वाला आर्य समाज मंदिर, दीवान हाल, बैप्टिस्ट चर्च, गुरुद्वारा शीशगढ़, सुनहरी मस्जिद और वेस्ट एंड टर्मिनल्स फतेहपुरी मस्जिद आज भी मौजूद है। इस द्वारा शहर को आसपास के क्षेत्र से जोड़ते थे। दिल्ली गेट के अलावा लाल किले में प्रवेश के लिए लाहौर गेट मुख्य प्रवेश द्वार था। कश्मीरी गेट, कलकत्ता गेट, मोरी गेट, काबुल गेट, फरास खान गेट, अजमेरी गेट और तुलकमान गेट शहर को मुख्य मार्गों से जोड़ते थे। बच्चों ये प्रश्न पूरा हुआ। हम आपको लिंक नेक्स्ट प्रश्न में वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।